आईक्यू जब अपने नंबर सीरीज के साथ आता है तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस। 2021 में आईक्यू 7 सीरीज आया था जो बहुत फेमस था। फिर 2022 में मतलब इसी साल आईक्यू 9 सीरीज आया। अब मे बी दिसंबर में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आईक्यू अपना आईक्यू 11 और आईक्यू 11 प्रो लॉन्च करने वाला है जिसमें नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस होगा। और मैं इस वीडियो में आईक्यू 11 के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि 2023 को सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और मेरा मिशन है कि 2023 के पहले एटलीस्ट मेरे 5K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। ओके, डिजाइन की बात करूं तो आईक्यू 9 सीरीज जैसा ही है। ये 3 कलर्स में होने वाला है, ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट कलर में आपको BMW की स्ट्रिप देखने को मिलेगी और ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ होने वाला है। इसका जो प्रो वेरिएंट है आईक्यू 11 प्रो, इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन आईक्यू 11 का फ्लैट डिस्प्ले भी काफी अच्छा है क्योंकि ये 6.78 इंच की 144 हर्ट्ज वाली AMOLED डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले बहुत बड़ी है। इफ यू वांट टू ऑपरेट विद वन हैंड थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही इसमें 2K डिस्प्ले है, मतलब 1440p वाली डिस्प्ले है और 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, मतलब डिस्प्ले काफी अच्छी है। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 होने वाला है और ये भी 4nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट है और ये बहुत पावरफुल होने वाला है। अच्छी बात ये है कि इसको TSMC ने मैन्युफैक्चरिंग की है, Samsung ने नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि 888 और 8 Gen 1 में कितनी ज्यादा हीटिंग प्रॉब्लम थी क्योंकि Samsung ने मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 8 Gen 2, 8 Gen 1 से एग्जैक्ट कितना पावरफुल है अभी पता नहीं चला है क्योंकि Snapdragon का समिट 15 से 17 नवंबर को है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना पावरफुल है। इसमें 4 वेरिएंट है, 8128, 8256, 12256, 16512GB। 8128 वेरिएंट की प्राइस 50,000 बताई जा रही है। इसके रियर में 3 कैमरा है, 50MP का मेन कैमरा विद OIS, 12MP का टेलीफोटो और 13MP का अल्ट्रा वाइड, एंड फ्रंट पर 16MP का कैमरा है। बाकी सारे सेंसर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, प्रॉक्सिमिटी, जायरो, कंपास। लेकिन इसमें 120 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है 5000 mAh बैटरी के साथ। तो ये था आईक्यू 11 का फुल रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।